अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रानीस किचन। कैसे है आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, अल्लाह ताला से ही दुआ करती हूँ आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। यहाँ पर मैंने मैदा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के थोड़ा सा कलौंजी डाल के एक बैटर बना रही हूँ, जो पापड़ बनाना है मुझे। तो पतला बैटर बनाना है, नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं बैटर बना रही हूँ। तो इस तरह का पतला हुआ है मेरा बैटर। थोड़े टाइम इसको हाथों से मिक्स करना है। तो अब चलिए, हमने चूल्हे पर बनाया है, गांव पर इस तरह के बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस तरह डाल देंगे, चूल्हे पर बनाया। गांव में मिट्टी का चूल्हा होता है, उसमें बनाया हमने। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस तरह मैं एक तवा पर डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से एक मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह निकल रही हूँ। फिर से मैं बैटर दिया तवा पर, थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस तरह देने से एक मिनट में ये इतना सारे पापड़ बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही पतला बैटर बनाना है। एक मिनट में ये बन के रेडी हो गया। अब इसको निकाल दिया। इसी तरह पूरा पापड़ मैं बना लूँगी। बहुत सारे पापड़ मैंने बना लिया, अब धूप में डाल दूँगी 2 दिन तक। बहुत सारे पापड़ बनाया हमने, तो 2 दिन सुखाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा से बन के रेडी हुआ है। अब चलिए गैस के ऊपर थोड़ा सा मैं फ्राई करके दिखाती हूँ, कितना अच्छा से सूख गया। ये मैदा का पापड़ है। चूल्हा पर मैंने कढ़ाई रख दिया, ऑयल भी डाल दिया, गरम हो गया। ये देते ही फूल जाता है, कितना अच्छा से फूल गया। बहुत सारे पापड़ इस तरह बहुत ही जल्दी बन जाता है। 10 रुपया का मैदा से इतना सारा मेरा पापड़ हुआ है। बहुत सारे बनता है, ये बहुत पतला बैटर बनाना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा से ये फूल रहा है, बहुत ही कुरकुरे होते हैं। ये देखिए कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।